हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो बस अभी फजर की नमाज़ पढ़कर मैं आया हूँ और आज है शवाल का मेरा छठा रोज़ा, यानी आखिरी रोज़ा आज शवाल का। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ एहसान है कि 5 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके और बहुत बेहतरीन तरीके से गए हैं। और बस आज का छठा रोज़ा भी मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह करे कि अच्छे से जाए। तो ऐसे बहुत से लोग, मतलब ऐसी मस्ती मजाक में मेरे दोस्त लोग भी बोलते थे जो शवाल के रोज़े, तो 6 रोज़े हो गए तो फिर 7वें दिन हमारी ईद है, ठीक है। सो ठीक है, आज आखिरी रोज़ा है मेरा और इंशाल्लाह कल ईद है। जिस दिन ये व्लॉग देख रहे रहोगे आप लोग, उस दिन मतलब शवाल की ईद है, मतलब एक ऐसी बस हंसी मजाक के तौर पर मैं बोल रहा हूँ। तो बस अभी जा रहा हूँ मैं अभी सोने के लिए, फिर इंशाल्लाह जब उठेंगे तब आपसे हम लोग मुलाकात करेंगे। सो बने रहिए वीडियो में, मिलता है आपसे थोड़े टाइम बाद। तो गाइस, मैं उठते साथ ही ब्रश वश करके लगा दी हूँ मशीन। यहाँ पर देख सकते हो ये वाइट कपड़े जो है वो सब अलग रख दिए, ये ऑरेंज वाले को अलग रख दिया क्योंकि ये नया है और मुझे इसके दुपट्टे का थोड़ा शक हो रहा है कि कलर छोड़ेगा। तो मैंने लगा एक दूसरे पर लग भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मिस एंड मैच हो ही जाएगा। और सब डार्क ब्लू कलर के कपड़े यहाँ पर रख दिए, रेड कपड़े यहाँ रख दिए, चद्दर और पर्दे जो धोने के लिए रखे वो वहाँ है। तो अभी मैंने मशीन लगा दिया है और कैब गए बैंक कुछ काम से जैनब के और भाईजान के साथ। और मैंने यहाँ पर 12 बजे पर पहुँच के लिया। और जो हमारे महाराज जी आते, मेरे जो दोस्त आते चूहे जी, उनने पूरी पॉटी करके बनाई थी जबकि मैं रोज़ इसको डेली साफ करती हूँ क्योंकि अभी मशीन यहाँ पर रखती हूँ ना तो इतना पूरा खुला रहता है ना, तो मैं ये डेली साफ़ करती हूँ तो भी वो पूरा रोज़ है ना इतना गंदा करके चले जाता है। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पूरा गंदा करके चले जाता है कुछ नहीं। अभी बस ऐसी आज स्टैंड मैंने इधर बाहर लगा दिया, मैंने बोला कि इधर बाहर ही लगा देती हूँ, अब मैं हॉल में लगाऊंगी। फिर वो कैसे ना, हॉल में जाओ अंदर जाओ बाहर आओ बाहर जाओ अंदर, तो मैंने कि जैसे सलन सलन इतना ही गया। नहीं तो फिर मेरे को क्या करना पड़ता है, मैं ड्रायर से निकाल के मुझे इतना पूरा चल के वहाँ जाना पड़ता है, फिर वहाँ से फिर रिटर्न इधर आना पड़ता है, मेरे को कौन मगजमारी करेगा। मैंने बोला यार धूप भी आ रही है तो यहीं लगा देती हूँ। और जो नहीं धूप है, बाप रे बाप, बहुत गर्म है यार, बहुत गर्म है कसम से। तो चलो हम लोग घर पे, तो चलो इतना समझ आ जाता है कि जो काम कर रहे हैं लोग, ये देखो सब लोग जो काम कर रहे हैं, लोग यार क्या होती होगी यार, मैं तो इतने भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी रात भर। पता मैं एसी चालू बंद चालू बंद चालू, ज़्यादा चालू रख दूँ तो ठंडी लग जाती है, बंद कर दूँ तो गर्म होने लग जाती है। मेरे को गुस्सा आता था ना कसम से, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मालूम इतना गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है यार। आप लोग बताओ, आप लोगों को गर्मी लग रही है नहीं लग रही है? बहुत गर्म है। और ये ना फल्ली का जो झाड़ है ना, उसको फल्ली बोलते हैं और कुछ तो बोलते हैं ना ड्रम स्टिक्स बोलते हैं क्या नाम है, ये तो कितनी मोटी मोटी आई है। और वो कैरी के जार पे, और कैरी भी मस्त आई है। चलो फटाफट कपड़े धो के लेके, अच्छा है कि मैंने बास्केट भरी वैसी मैंने कपड़े निकाल ली, वरना और ज़्यादा हो जाते थे मेरे कपड़े। ये फटाफट कपड़े धो के लेती फिर आप सुनो। मुझके जानो नहीं, ओ माय गॉड, ओ क्या लेके जा रहे हो, इतना अच्छा मुंह है ना इसका एकदम बेकार। तो गाइस अभी आदमी आया है, मैंने देखो कपड़े पहले सूखने डाल दिए तो सूख गए पतले पतले, पहले धोई थी तो सब नाइटीज वाइटीज तो सूख गई है, अभी बस इसको निकाल लूंगी ड्रायर में, दूसरे कपड़े भी वो डाल दूंगी। यहाँ पर कैप भर रहे कंफर्ट, तो भर रहे मतलब ये वाला गैलन में से उसमें इसमें डाल रहे हैं सॉफ्ट टच में। क्या आप मुझे सॉफ्ट टच करना चाहोगे? चलिए तेरा मुंह बंद कर देना यार, तू कितनी बकवास करने लगी है। ये नाइफ के साथ बता रहे हो तुम मुझे, तुम मेरा मर्डर करना चाहते हो? तेरा पेट पे रखूंगा अभी चाकू तो चाकू टूटेगी। अल्लाह ठीक है, याद रखना लोग मुझे बोलते तुम कितनी पतली हो गई हो। तो मैंने मोटापे के ऊपर से कुछ बोला ही? तुमने मुझे बॉडी शेमिंग, आई विल सू इन द कोर्ट। हां सू यू सू यू। चलेगा बोल दिया गाइस, तो सॉरी गाइस प्लान कैंसिल, प्लान में आ गया एक खेत। अभी यहाँ पर ब्लैक ऑयल की गाड़ी खड़ी है गाइस,
ब्लैक ऑयल जा रही हूँ लेने के लिए, लेटने के लिए बोल रही थी। अभी प्लान है हम लोग का ब्लैक ऑयल माफिया बनने का। यस, किससे पहले कौन सा माफिया था तू? कोई भी नहीं था, शुरुआत ही ब्लैक ऑयल से करेंगे। तो चलो अभी सब करके जाएंगे नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ के मिलते हैं तो घर में ही पढ़ लेंगे ना, जमात तो नहीं मिली। मत कर, गरम हो रहा है, पीछे हो ना यार एक सेकंड के, फिर रिटर्न मत करो मेरे को पहले तबीयत से। तुमने मेरे को क्या बोला अभी? मैंने क्या बोला? तूने मेरे को बोली कि मैं कितनी पागल हूँ, मेरे को दिमाग नहीं है। सुन, मैंने गाइस एक सेकंड में बताती हूँ, मैंने यहाँ पर खड़ी थी और मैंने वाइट कपड़े धोई और मेरे को ध्यान में नहीं आया कि मैंने आला लाई हूँ, ठीक है, ट्रेन का वो। हाँ, तो मेरे को ध्यान नहीं कि मैंने आला लेके आई हूँ, तो ये आदमी को मैं बोली अरे मैं कितनी चू ऐसा बोल के, तो उतने में आदमी आए बोले वो तो मेरे को मालूम है। नहीं 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 नहीं, पहले मैंने चार बार पूछा क्या हुआ, अरे हुआ क्या, क्या हुआ, अरे क्या हुआ जान, तो तूने उतने में कुछ बोले नहीं, फिर से तूने रिपीट करी वही बात, मैं कितनी और पागल हूँ, बोले मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा, बोला इसी के बाद इसी। तो मैं उतने में बोला देख वो चीज़ मेरे को मालूम है, बट हुआ क्या वो बता, मैंने देखो चार बार पूछा कि हुआ क्या, जो चीज़ मुझे मालूम है मुझे वो मत बता, बट हुआ क्या वो बता, तू मुझे वो नहीं बता रही। फिर उसके बाद मैंने उत्तर में बोला देख मैं समझ गया वो चीज़ के तेरे को तकलीफ हुई है, क्योंकि उस दिन तू बाइक से उतरने के टाइम पे जो घुटने के बल गिरी भी, वो घुटने के बल गिरने के टाइम तब मेरे को समझ में आ गया था कि तेरी याददाश्त कमज़ोर होएगी, मतलब मेरे वो ही हुआ मेरे घुटने में मेरा दिमाग, मैंने ऐसा कुछ तो बोला नहीं बेटा अभी, मैंने घुटने के साथ दिमाग का कुछ कनेक्ट नहीं किया। मैं तुम्हारा रोजा है ना, अभी मैं तुमको कुछ नहीं बोलूंगी, कल से जब तुम रोज जैसे हो जाएंगे तब तुम्हारी मैं लूंगी, है ना, तो तेरी गलत फहमी में और रोते रखे, तेरी गलत फहमी। गाइस मिलती थोड़ी देर से। तो गाइस कपड़े धोते धोते आज फाइनली जो काम मुझे करना था मैंने तो किया नहीं, तो आज शिरीन खुद ही लेके बैठ गई। नहीं मैंने उसे बोली थी कि मैं खोलूंगी, फिर अब मैं बोल लूं मैं डर गई थी नहीं, तो इसने फाइनली आज कूलर को खोल दिया और कूलर खोल के साफ कर रही है अभी, क्योंकि ना गाइस रोज रात को इतनी आवाज करता है, चू 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 चू, क्या चू 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 करता रहता है, कितनी धूल है पता है इसके अंदर। वो इतना सा ब्रश लेके अभी ये बैठ के जो खेल खेल रहे, मैंने इसको बोला ब्लो ड्रायर ले फटाफट, ये बड़ा वाला ब्रश नहीं। ले और मार इसको, इसमें वो गंदा हो जाएगा, इधर 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 दिख, गंदा हो जाएगा मतलब क्या, यूज नहीं करेगी क्या वो सोफे के लिए, इधर देखो कितना गंदा है अंदर से, और ये 3 साल से ऐसी है, फिर भी इतना कोई गंदा नहीं है 3 साल से भी, बट बहुत साथ दिया इसने हमारे, और यहाँ पर आके ज्यादा हुआ है क्योंकि धूल मिट्टी यहाँ पर बहुत आती बहुत है, ज्यादा है नीचे का भी पूरा गंदा। तो गाइस मैं नहा के हो चुकी एकदम फ्रेश, और अपना क्या नाम है क्या बोल रही थी मैं, हाँ नहा के फ्रेश हो गई, और मैंने ना कूलर इतना अच्छा साफ करी, मैंने एक चीज करी मैं आप लोगों को बताती हूँ, देख सकते हो कूलर एकदम नया नया हो गया, वो मैंने सीन नहीं देखो अभी चल रहा है ना, पर ना हवा नहीं आ रही इधर तक, ये हवा क्यों नहीं आ रही मानो, अगर मैं इधर पीछे हाथ ले अगर कुछ डालूंगी ना तो हवा आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये देख सकते हो कि उसके प्लेट से सब लगी थी ना, तो मेरे को लगा कि शायद पूरा खुल जाएगा तो अच्छे से हवा आएगी, मुझे मालूम नहीं था कि प्लेट वगैरह गिरेगी तो उसके वजह से और प्रेशर से आती है, अभी फिर खोल के लगाया मैं, नहीं है हिम्मत यार, पहले इतनी चिड़चिड़ के मैं लगाई हूँ यार इतना सब कुछ, अब ये से भी एक प्लेट भी लगा दूंगी तो भी चलेगा, फिर खोलना पड़ेगा मुझे, अब मेरे में हिम्मत नहीं है, अभी मैंने कलिंगड़ काट लिया है, कलिंगड़ में मस्त नमक डाल के भी थोड़ा सा खा लूँगी, और रात को मैंने ना ये अपना जैनब ने ना मेरे लिए ना चिकन का सालन ले ली थी पार्सल, उसको लगा शायद मैं बाहर नहीं जा रही तो घर में ही खा लूँगी, तो फिर चिकन का सालन दाल चावल वो सब है, तो मैंने बोला कैफ को कि गर्म करके खा लो, तो बोले हाँ बाद में खाऊंगा, अभी कपड़ा घड़ी करके रख रहे, मैं जब तक कलिंगड़ खा लेती हूँ, फिर अभी मेरे को तो भूख ज़्यादा है नहीं तो इसके लिए मैं सिर्फ कलिंगड़ खा रही हूँ, फटाफट तैयार होती हूँ फिर आप लोग से मिलती हूँ, यहाँ मस्त कलिंगड़ खा रही हूँ, और मेरी गलती को सुधार रहा है, अब मैं खोल के लेट से भी ये वाली बढ़िया नहीं लगी गाइस, कैफ को तो भूख है। तो गाइस अभी कूलर में आवाज क्या, टैक्स भी मार रहा है यार, टैक्स तो वहां पर भी मारता है ना, 180 180 360
₹42 ऊपर ले रहे हैं। हाँ तो टैक्स वहाँ पर भी मत कैंसिलेशन हो, इसीलिए तो नहीं अब हम कैंसिल भी कर सकते हैं। हाँ कर दो, कर दो, कर दो। तो गाइस ऐसा कि तो अभी कूलर में हमने ना कैफर मैंने मिलके वो लगा दिए, तोड़ दिख ले कैफर बंद, कभी कभी चालू होती कभी कभी बंद हो जाती है आवाज़। तो गाइस वो अभी आवाज़ आ रही रहेगी आप लोगों को कूलर की ना आवाज़ चु 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 अभी भी आ ही रही है। इतना साफ करने के बाद भी वो लगता है, नीचे का जो मोटर है ना हमको वो चेक कराना पड़ेगा, तो वो तो जाके कल या परसों कैफ चेक करवा लेंगे। बाकी कूलर में आवाज़ तो अभी अच्छी आ रही है ना कैफ, अभी और खुल के भी आ रही है और एकदम क्लीन भी होगा तो अच्छा भी लग रहा है, एकदम नया लग रहा है। और मेरा मन था क्रू पिक्चर देखने का, मतलब करीना कपूर और तब्बू है उसमें, तो मेरा बहुत मन कर रहा था। और रमज़ान भी ख़त्म हो चुका है, शवाल के रोज़े भी ख़त्म हो चुके, और तो मैंने बोला कि जाते हाथ, मैंने बोला तो मैंने बोला हाँ तो चलो ना जाते हैं पिक्चर, तो कैफ ने बोला हाँ ठीक है चलेगा। तो कैफ का जो सरप्राइज़ है वो तो अभी फ़िलहाल नहीं दूँगी क्योंकि आज कैफ और मेरा झगड़ा हो गया। तो बताती हूँ मैंने कैफ पे क्या, नहीं यार मेरे को वो सब नहीं करना, मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। आज जो नमाज, वो क्या बोलते हैं उसको, हिंसा, हिंसा, अरे बोलो ना, हिंसा हिंसा कर रही हूँ मैंने कैफ पे। एक मिनट दिखाओ, ये देख सकते हो यहाँ पर मैं देखो 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 तिनके तो ऊपर करके देख रहा है, पहले बोला नहीं दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा, आज दिखा निकालूंगा और ना मेरी तो मैंने खटक गई वहां पर ही, और जैसे बोले वो होने के बाद अगर मैंने मार दिया होता तेरी नाक से एकदम ही सामने थी मुझे मालूम है, तो मेरे चेहरे को कुछ नहीं निकलती ऊपर से तेरी नाक ना यूं हो जाती थी, बहुत अच्छा होगा तो जरा देसी तरीके से तमाशा करेगी। ओके मैं बीच की बहुत गंदा वाला ये 10 रुपए की नोट उड़ के मेरे को ना चुभा तो ना गाइस ये आदमी ने मेरे को ऐसे बोले कि ना नाक से रेसबेरी निकालूंगा, और सामने ना वो दीदी रहते ना ट्यूशन टीचर, तो वो वहाँ पर ना झाड़ू मार रहे थे और मेरे को गुस्सा इससे मेरे को कैसे बोल दिया और इतनी जोर से बोल रहे चिल्ला मत, एक तो मेरी आवाज निकल रही नहीं है ऊपर से, आदमी ने इतनी जोर से मेरे को, फिर उसके बाद जो हमारे ना कूलर का वो स्विंग का होता है ना वो एक पोर्शन कैफ ने से उठाए और मेरे पे फेंकने गए, फिर बाद में जैसे मैंने ऐसे करी ना तो उन्होंने पीछे फेंक दिया मेरा फट करके टूट गया, फिर कैफ वजू करके नमाज पढ़ने चले गए क्योंकि मालूम है ना अभी नमाज पढ़े तो बच जाएंगे। तो चलो आज हम जा रहे हैं पिक्चर, पिक्चर आ जानू हो गई बुक पक्का हो गई, पिक्चर भी पिक्चर भी हो गई, तू जा इसको। अरे शैतान भी लगी लिए, शैतान लगी है दो और दो प्यार विद्या बालन लियाना डिक्रूज़ शैतान की हॉरर है। हाँ कट वो उसको ब्लैक मैजिक के ऊपर है। अरे यार ये भी देखने का था मेरे को, मडगांव एक्सप्रेस स्टार्स देख, रेटिंग्स देख क्या मिला इसको भी मस्त। मेरे को देखने का था यार वो शैतान, मेरे को लगा शैतान निकल गई होगी क्योंकि मेरे पास एक शैतान ऑलरेडी स्टार मिला खाली उसको 10 में से। अरे यार गेम मेरे को अच्छी, तुम इतना क्या ये कर, उसमें जा मैं गोल्ड जिला जाता। मेरा ना भी लड़का फिर बीपीआई कर रहा है क्योंकि मैंने इनको बोली थी कौन सी पिक्चर है। अरे तो यार तू जाने का ना था ना, तुमने क्या बोले, तुमने आज मेरे को क्या बोले थे। अरे कल अच्छी पिक्चर देखो, क्रू का ट्रेलर देखी थी क्या नहीं तूने, तोड़ दो वो एक ही क्लिप है मेरे पास। तूने 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 ना ट्रेलर देखी थी ना।
चल अभी फटाफट चेंज करती हूँ। 11:15 का शो, अभी कितना बज रहा है? 9 बज रहा है, काफ़ी टाइम है, तो तब तक कुछ ठूसेंगे और मिलते हैं आपसे बात। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, भूख लग रही है, कुछ लेके आता हूँ खाने के लिए, ठीक है। और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 9:15-9:30 के आसपास, एक सेकंड मैं बताता हूँ। हाँ वही अराउंड 9:30 के आसपास टाइम हो रहा है और मूवी है 11:15 की, तो ज़ैनब दीदी भी आ रहे हैं और सुमदानी भी आ रहा है, ठीक है। तो वो लोग की टिकट्स भी मैंने बुक कर दिया है और अभी जाके पहले कुछ लेकर आता हूँ खाने के लिए। और शरीर के लिए है कुछ घर में शिरमली के, मैं वही खा लूँगी, वो कुछ और चीज़ वाली है वो रामेन का कुछ तो है, तो बोले मैं वो खाऊँगी। तो मैं भी जाके मेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ, फिर खा लेते हैं। टाइम है अभी मूवी के लिए, चल मैं बोला थोड़ा कुछ खा लेते, फिर रात का खाने का तो इंतज़ाम हो गया है ऑलरेडी, खाना है ऑलरेडी घर में। सो बस जाकर लेकर आता हूँ, फिर इंशाल्लाह आकर आपसे मिलता हूँ। सो बने रहिए वीडियो में, मिलता आपसे थोड़े टाइम पर। गाइस देखो कैसे 150 बोल रहा है। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ मेरे चीज़ी हॉट चिकन फ्लेवर। बस बुलडॉग लिखा है ना, क्या लिखा है? बुलडॉग लिखा है, क्या लिखा है? सिर्फ बुदक। हाँ बुलडक क्या? बुटॉक्स बुलडक। तो अभी बन रही है मेरी बुलडक, बाद में ये चीज़ पाउडर डालना है। सो गाइस और टाइम हो चुका है 10:59 और अभी तक हम लोग घर पे ही है, तो रेडी तो हो गए हैं। बाजू में ये थिएटर ज़्यादा दूर नहीं है और ज़ैनब दीदी भी वहीं बिल्डिंग के नीचे रुके हैं, क्योंकि सीन ऐसा है कि भाईजान मैंने बताया नहीं ज़ैनब लोग भी आ रहे हैं। हाँ मैंने वो बोल दिया था कि दीदी लोग भी आ रहे हैं, कि मैंने टिकट बुक किया। और भाईजान का सीन ऐसा है कि भाईजान को अर्जेंट कॉल आया है शाम को ही, अरे यार ऐसा ऐसा। हाँ भाईजान को कॉल आया था, तो भाईजान निकल गए कुछ काम से और भाईजान नहीं आएंगे। और मैं शिरीन समदानी और ज़ैनब दीदी हम लोग 3:30 लोग जा रहे हैं। और मैंने देखो क्या पहना, इसका प्लान कुछ और था बट अनफॉर्चुनेटली उसने ये पहन लिया मेरी किरकिरी की वजह से, ले लिया मैंने, मेरे पे ब्लेम, टेंशन नहीं। मैंने कुछ भी नहीं। तो अभी फटाफट पहले हम लोग पहुंच जाते हैं, पहुंचते फिर इंशाल्लाह पहुंचकर आपसे मिलते हैं। सब बने रहिए वीडियो में, मिलता आपसे थोड़े टाइम बाद। खुश हो रहा है, अब पहले हम लोग बर्गमैन पे जाने का प्लान कर रहे थे सब लोग, मैंने बोली नहीं R15 ले लेते, R15 पे आ जाएगा तो जाना, मैं हम लोग इससे जाएंगे तो बोली जा R15 पे, तो इतना खुश हो गया नाच नाच के गए अभी वहाँ। सो गाइज मैं और समदानी पहुंच चुके हैं थिएटर के बाहर और हम लोग दोनों R15 पे आए हैं, शिरीन और ज़ैनब दीदी आ रहे पीछे बर्गमैन पे, और हम लोग पहले पहुंच गए हैं दोनों भी। मज़ा आई बाइक पे? मज़ा बहुत तेज़ी से आई, इसकी बातें ना बहुत निराली बातें करता है बचकाना। तो अभी देखते हैं ये लोग कब तक आते हैं, और 11:12 हो चुका है, अब ये लोग आए फिर हम लोग अंदर जाएंगे, तो ये लोग आ जाए पहले फिर आपसे मिलते हैं। सो बने रहिए वीडियो। लड़की इतनी बेकार है, हम लोगों ना पीछे ना एक डॉगी आया वो भोंकने लगा, तो इतनी गंदा रिएक्शन दी ना लड़की ने, सीधा पेरे ने मेरे सर तक उठा दी थी। और लोग बाहर हम लोग को ढूंढ रहे, हम लोग अंदर है। अब्दुल्ला में ना लड़की ऑफिस में गए थे, वहाँ पे ना एक बहुत बेकार लड़की, देखो मौसी जा रही थी ना, ये लड़की ने क्या करी पता है, ये गई थी कहीं तो बिल्डर के ऊपर, तो ऑफिस की इधर, और वहाँ पर एक पुतला बैठा था, तो इसको समझ नहीं है कि पुतला है कि इंसान है। तो वहाँ पर जाके भाईजान को बोलती है कि वो आदमी से पूछेंगे ना अपन एड्रेस, तो बाद में मालूम पड़ा कि पुतला है। अरे अभी कुत्ता आया था तू तो मेरे सारे तक उसके पैर खोल उड़ा दी थी जैनब ने। तो गाइस मैं वापस नीचे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरी जो जिम की बोतल थी ना, मैं उसके अंदर ग्लूकोन डी बना के रखी थी। मैंने कैसे बोला, मैं ग्लूकोन डी की बोतल ले ली थी, इतनी बड़ी पीने के लिए काम भी आएगी क्योंकि प्यास लगती रहती है इसलिए। और ये आदमी ने बोला नई 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 चेकिंग वेकिंग रहेगी ये वो रहेगी, और कोई भी नहीं चेकिंग के लिए बताओ, हमें बाद में नीचे नीचे बड़ी माजा की बोतल लेनी। सो गाइस हो चुका है इंटरवल, अब कर लेंगे। और मैडम ने जो स्क्रू ड्राइवर घुसाई है ना एक विलन की रितेश देशमुख बन के, प्लीज इग्नोर, प्लीज इग्नोर, ऐसे लोगों को इग्नोर।
कितना उजाला है यार। अभी एक घंटे में इंटरवल भी हो गया, अभी एक घंटे की और पिक्चर बनेगा। एक घंटे की अपन नाले 11:15 हो रहे, एक घंटे में इंटरवल मालूम नहीं पड़ा, एक घंटा हो गया है। एक घंटे तो इधर आए हैं हम लोग देखने के लिए। चलो देखते हैं क्या है, कैसे था आपसे लेके पॉपकॉर्न लेके आपसे मिलते। तो गाइस ये है समदानी का चीज़ पॉपकॉर्न और ये है शिरिन का कैरेमल एंड चीज़। ठीक है, लेने दो ना, नहीं लेंगे ना, खाना है देखो। अभी ना ये दोनों की ना अभी यहाँ पर बहस हो रही थी। हम तो कौन सा फ्लेवर का पॉपकॉर्न चाहिए? लेमन। क्या लेमन फ्लेवर वाला पॉपकॉर्न है? फ्लेवर कौन सा? लेमन बोलते क्या कर रहे? तो गाइज मैं जाने के टाइम पे मैंने कितने कपड़े निकाल दी थी पूरे ऊपर से मेरी जो डी, मैं घड़ी करके नहीं रख पाती क्योंकि ना मेरे को पता नहीं, मेरे को ना अजीब से लगते जब मेरे कपड़े घड़ी होते। नहीं नहीं, इसको ना बर्दाश्त नहीं होता एक जगह बैठ के कपड़े घड़ी करके उसको तरीके से रखना, इसको बर्दाश्त नहीं होता, इसके लिए ऐसी डालती। पर जब घड़ी भी होता तो जान मैं ऐसे ही फेंकती हूँ। और मैं ये वजह से नहीं डाला कपड़े के, तेरे को काम बढ़ेगा, तेरे को ये चढ़ेगा, ये सोच के नहीं डाला मैंने ये कपड़े। तो वो जो बाहर आवाज कर रही है ना उसके लिए जगह बनी नहीं थी। तो गाइस ये कपड़े ना एक्चुअली मैं ऐसे ही रख के गई थी, मैं भागी और कैफ ने बोले अभी ऐसे ही रहने देना। क्योंकि हर जगह जाने से पहले तू लेट करती है ना आजकल? हाँ आजकल मैं बहुत लेट करने लगी। पता नहीं बहुत नहीं, आजकल नहीं अभी हमेशा का ही हो गया ये। अम्मी के साथ बाहर जाना हो या उस दिन जाना दीदी के बर्थडे के टाइम पे भी तूने लेट करी, अम्मी के साथ उस दिन वहाँ जाने का तो वहाँ पर भी जाने के लिए लेट हुआ। ठीक है मारो मत, नहीं मारो। तो गाइस घर पर आ गए और आने के बाद ये मच्छर खुल्ला खुद ही रखी थी अभी। कहाँ अभी? खिड़की खुली थी अभी, सब बंद करके गई। तो गाइज कर रही मैं भी आई, तो मैं ये बोल रही थी कि अम्मी की तबीयत खराब है और कैफ ने मेरे को बोले थे कि अम्मी की तबीयत खराब है। मैं बोली ठीक है, तो जाना था अम्मी के यहाँ पर। मैंने बोली कि नहीं चलो ठीक है, अम्मी को गोली तो ला के दे दिए थे। फिर उसके बाद अम्मी का मुझे फोन वोन भी नहीं आया, मैंने अम्मी को फोन किया, अम्मी ने फोन नहीं उठाया, तो मुझे लगा शायद अम्मी सो रहे, इसके लिए मैंने भी अम्मी को रिटर्न डिस्टर्ब नहीं किया। तो बाद में मुझे मालूम पड़ा जब हम लोग आए तो अभी मालूम पड़ा, वॉचमैन अंकल ने बताया कि तुम्हारी मावशी आए थे ये वो। तो कल सुबह सुबह पहली फुर्सत है मेरे को भागना है अम्मी यहाँ पर, और मेरे को भी पता नहीं एकदम सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है और क्या बोलते गला दुख रहा है। तो चलो गाइस बस आ गए घर और बस यही कहता मुझे आज का हमारा दिन, और पिक्चर बहुत अच्छी थी मच्छर मारते हुए। कैफ वो मर जाएगा बाद में। अरे एक मारा ना। हाँ तो वो एक ही था। नहीं जान करना शिरिन तू एंड, मैं थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ। हाँ पिक्चर अच्छी थी। पिक्चर बहुत अच्छी थी, अच्छी नहीं बहुत अच्छी, बहुत नहीं बोल, मेरे को बहुत अच्छी थी। वो देखो ये बहुत अच्छी लगी रहेगी बट वो बहुत नहीं, हाँ अच्छी मतलब ऐसी वाली बहुत वाली बहुत वैसी वाली बहुत नहीं, अच्छी थी। क्यों थी मालूम? अच्छी क्योंकि देखो एंटरटेनमेंट था, और जैसे अभी पहले के जैसे पिक्चर नहीं बनते ना वैसे में, तो उसके मुकाबले तो अच्छी। हाँ सही है, अच्छी पिक्चर थी, वन टाइम वॉच है। हाँ वन टाइम वॉच है, और बट फिर भी अच्छी ड्रेसिंग मुझे बेबो की, तब्बू की, तब्बू ने तो खा ली सब, सबको खा ली तब्बू ने। फिर बाद में और कैसे पता है वही पिक्चर में क्या दिख रहा था जान? क्या दिख रहा था? एयरपोर्ट। ये आदमी मैं क्या बोलू, तो बोलते सोना नहीं रे बाबा। फिर अरे हाँ अपना घर बैंड्रा का बराबर। तो गाइज जो करीना कपूर जो घर में रह रहे जो रह रही थी वो है ना, वो था वो नाना के साथ जो घर में रहती है वो मेरे घर के सामने वाले बंगलो है जिधर मैं बता रही थी ना, ये देखो लाइट कितनी अच्छी लगी है, यहाँ पर शूटिंग्स भी होती कभी कभी, तो वो वाला घर था वो। और एक शॉट वो था जब करीना कपूर के नाना की डेथ होती है, तो वो जब पीछे साइड का दिखता है तो मेरे घर का किचन जो बेडरूम है ना, अपना जो बेडरूम था विंडो
किचन का विंडो सब कुछ दिख रहा था प्रॉपरली, तो वो दिख रहा था कि भाई मैंने नोटिस ही नहीं किया था। उसमें मेरी स्कूल भी है वो पिक्चर में, मेरी पिक्चर, मेरी स्कूल तो आजकल पिक्चरों में होती है। तो चलो गाइस बस यही खत्म होता आज का हमारे दिन। आए हो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्यार देते रहना, प्यार बढ़ाते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग।